हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो अभी सुबह तो हुई भी नहीं थी, लेकिन रात भी नहीं थी। लगभग 3 बजे हम पहुंच चुके थे, 3 या 3:30 बजे मथुरा जंक्शन पर। और मथुरा जंक्शन से हमने ली स्टेशन से हमने किया ऑटो, और हम लोग वहाँ से पहुँच गए थे विश्राम घाट के पास ही। एक होटल है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे, और वहाँ जाके हमने हमारा सामान सेट कर दिया था। तो ऑटो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, मैं मथुरा को फील कर पा रही थी, मैं वो सारी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर पा रही थी जो बचपन में मैंने मेरे दादा दादी के साथ जी है। बहुत बचपन में तो नहीं, क्योंकि हर साल 2 साल के अंतराल में हम मथुरा वृंदावन जाते रहे हैं। इसी साल हुआ लॉकडाउन के कारण कि 4 साल हो गए और हम मथुरा वृंदावन नहीं जा पाए थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्यारे से रेडी हो गए थे नहा धो के फटाफट से, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के खुलने वाले थे दर्शन, और भाग भाग कर हम पहुँच गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। क्योंकि हिंडोला चल रहा है और अधिक मास भी चल रहा है, तो हिंडोले के दर्शन थे। मैंने बहुत जूम करके तो नहीं लिया था, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ठाकुर जी के दर्शन कैसे चल रहे थे वहाँ पर। और हमेशा की तरह मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी बैठने के लिए यहाँ जगह खाली थी। तो हमने थोड़े से दिए वगैरह लगाए, थोड़ा सा ठाकुर जी की मनवार करी, थोड़ा सा ठाकुर जी को नज़र भर कर देख लिया कि अब पता नहीं कब वो बुलाने के लिए हमें संदेशा भेजेंगे दोबारा। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए विश्राम घाट के लिए। आगे विश्राम घाट की ओर हम चलते जा रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें बहुत सारी आवाज़ें आसपास से सुनाई दे रही थी, जैसे कि पूजा के लिए दिए ले जाइए, प्रसाद के लिए मिठाइयाँ ले आइए, और यहाँ के पंडे और यहाँ की बोलियाँ अलग ही है, अलग ही लेवल की बोली है यहाँ की। तो बस हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, और हमने वहाँ जाकर जो देखा है वो तो दृश्य ही अलग था। यमुना मैया पूरा विश्राम घाट अपने में ले चुकी थी, वो पूरे विश्राम घाट पे थी, और घुटने तक पानी था विश्राम घाट पे भरा हुआ। ये पानी तो हमें कम मिला, और बाकी सब पहले कह रहे थे 2 दिन पहले तक तो ये पानी इतना था कि विश्राम घाट के बाहर सड़क तक ये पानी मौजूद था, और वहाँ पे जब पहुँचे तो घुटने तक पानी था, और हम भी बाकी सबकी तरह तो पानी में चल दिए। आधा तो हम लोग भीग ही चुके थे पानी में। फिर उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अभी बोल रहा था कि मुझे तो पानी में जाना है, तो हम उसको गोदी में लेके घूम रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में जो हमारे हमेशा के पंडा जी हैं, वो हमारा सब सामान लेके आ गए थे, क्योंकि हमें वहाँ पे हमेशा यमुना जी की पूजा पाठ करके, यमुना जी का दूध से स्नान करा के, और जो भी हमें करना होता है, बड़ा सा चुनरी मनोरथ तो नहीं कर पाते, तो एक चुनरी की साड़ी वगैरह ये सब हम वहाँ चढ़ा देते हैं। तो हमेशा से तो एक ही जोड़ा होता था, मम्मी पापा करते थे, लेकिन इस बार 2 पूजाएँ थी, एक हमारी मेरी और संकेत की, एक मम्मी पापा, और एक छवि भैया से भी मम्मी पापा की इच्छा थी कि वो करवाएं, तो वो भी करवा रहे थे। तो यहाँ छवि भैया संकेत इस साइड बैठे हुए हैं, मम्मी पापा उस साइड बैठे हुए हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि जैसा भी शेड मिला बैठने के लिए वैसा बैठ गए, और जैसा जैसा आगे वो कहते जा रहे थे वैसे वैसे पूजा हम करते जा रहे थे। और इस पूजा का सबसे क्यूटेस्ट पार्ट आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि अविक ने कितना कितने प्यार से दूध की धारा को चढ़ाया है यमुना जी में।
यहाँ से यमुना जी की आरती पूजा सब कुछ करने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करने के लिए होली गेट की तरफ, और फिर उसके बाद हम पहुँचे थे हमारे प्यारे कान्हा जी की जन्मस्थली पर। जन्मस्थली कितना विवादित है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ तो अंदर बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैंने बस बाहर से इतना सा रिकॉर्ड कर लिया डॉक्यूमेंट्री करने के लिए कि मैं यहाँ गई थी। और मेरा तो पहले से भी घूमा हुआ था लेकिन संकेत को लेके जाना था इसलिए इम्पॉर्टेंटली हम वहाँ गए थे। और फिर जन्मस्थली में ही हमने पी वहाँ की स्वादिष्ट लस्सी, और मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद है ना यहाँ की लस्सी, एक नाथद्वारा में रबड़ी और दूसरा मथुरा में लस्सी, ये दो चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, जितनी भी बार मुझे मिल जाए ना मैं उतनी बार इसको खा लेती हूँ पी लेती हूँ। तो बढ़िया सी भाई साहब ने इतनी अच्छी लस्सी बना कर दी और मैंने फिर उसको लस्सी को पिया। संकेत तो लस्सी वगैरह लेते नहीं हैं और छवि भैया इन सबको पीना नहीं था, तो फिर मैंने तो भैया बोला मुझे तो पीना है और मैंने मेरी लस्सी पी ली। फिर उसके बाद आफ्टरनून से ना हम लोगों ने मथुरा छोड़ दिया था क्योंकि मथुरा में हमारे सब दर्शन पूजा पाठ सब कुछ हो गए थे, और अब इसके बाद वृंदावन ऐसा था कि वृंदावन में ही अधिकतर सब मंदिर है, बार बार बाँके बिहारी के ही दर्शन करने के लिए जाना रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब वृंदावन के एक होटल में सेट हो जाते हैं, तो वृंदावन में हम यहाँ सेटल हो गए थे। और फिर उसके बाद में ना इतना रोड पे ही वो होटल था, मुझे नाम तो याद नहीं है उसका, यदि मुझे मिला तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी आप लोगों से, संकेत से या फिर पापा से पूछकर। और फिर उसके बाद हम यहाँ शाम के टाइम पे रेडी होकर पहुँच गए थे बाँके बिहारी के मंदिर की गलियों में, सकरी सकरी सी गलियाँ, और इन गलियों की खुशबू, इन गलियों में जो प्रसाद की और घी की जो खुशबू आती है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे वो कितनी ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ हम मंदिर में पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ऑब्वियस बात है कि भगवान के दरबार में जाके कौन खुश नहीं होता है, और फिर जब आपको इतना लॉन्ग टाइम बाद ठाकुर जी ने बुलाया हो तो क्यों ना आप इतने खुश होंगे। और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन करे आगे से बाँके बिहारी के, जिससे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आफ्टर अविक को तो ठाकुर जी के पास ले जाके दर्शन कराए, पता नहीं वो पंडित जी को क्या हुआ, उन्होंने अविक को गोदी में लेके गए, और नहीं तो ऐसे अविक किसी की गोदी में जा नहीं रहा था और वहाँ से चला गया, क्योंकि हमने वहाँ पे ना एक्चुअली एक रिलेटिव के थ्रू वहाँ VIP दर्शन हो गए थे हमको, तो फिर यहाँ पे जिनके जिन्होंने करवाए थे तो उन्होंने हम सबको उपरने दिए और प्रसाद दिया, प्रसाद के रूप में वहाँ पे ऐसे शक्कर के ऐसे छोटे छोटे से पेड़े थे और समोसे थे उसमें एक एक, तो वो उनने हम सबको प्रसाद के रूप में दिए और उपरने दिए सबको, जिससे हम लोग का तो मन ही खुश हो गया। वाह, मतलब क्या ही कहना, आपको ठाकुर जी के उपरने मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। फिर इसके बाद में हम वहाँ से निकले ठाकुर जी को बोलकर कि आते हैं बोलकर हम आगे बढ़े, क्योंकि आगे हमारा मन था कि हम प्रेम मंदिर भी आज ही कवर कर ले, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग जाने वाले थे परिक्रमा के लिए, तो इसलिए हमारा मन था कि प्रेम मंदिर भी आज ही कवर कर ले। तो यहाँ आप देखते जाइए बस मिठाइयाँ, और पता है मैं इतना कम शूट कर पा रही थी क्योंकि बंदरों का तो भाई भौचाल मचा हुआ था, मतलब क्या ही कहना है बंदरों का, वृंदावन के बंदर तो फेमस हैं, छवि भैया का तो चश्मा ही ले गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग रिक्शे से पहुँचे थे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में जो घचाघच भीड़ थी उसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना ज़्यादा रश था। फिर भी चलते चलते थोड़े थोड़े प्रेम मंदिर में दर्शन होते गए, और यदि आप लोग वृंदावन गए तो आपको पता होगा कि प्रेम मंदिर कृपालु जी महाराज का है, कृपालु जी महाराज ने 3 मंदिर बनाए हैं, एक मंदिर है उनका मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई, एक मंदिर मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, दूसरा मंदिर उनका अभी अभी बरसाने में बना है राधा रानी का, और तीसरा मंदिर है ये प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर, और इसमें इतना लाइटिंग का खेल, साउंड इफ़ेक्ट इतना अच्छा है, सब कुछ इसमें हर जगह देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस में छोटी छोटी झांकियां ठाकुर जी की लीलाओं की बनाई गई है, और अंदर से तो इतना कलाकृति इसकी सुंदर है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुंचने में इसलिए मैं ऊपर वगैरह ज़्यादा घूम नहीं पाई, ना ही संकेत को दिखा पाई, और अंदर से बस हम दर्शन करके फिर आ गए थे। रास्ते में आते आते हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद लस्सी पी फिर से, क्योंकि लस्सी के बिना तो सब कुछ अधूरा है भाई साहब। चलो चलो।
फिर इस दिन हम लोग इतना थक गए थे कि दूसरी कहीं जगह पे भी नहीं गए दर्शन करने, बस फिर अब हम आ गए थे होटल रूम। और यहाँ मेरा आविक आप सबको बोल रहा है गुड नाइट, और मैं अब आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो है कल परिक्रमा का। तब तक खुश रहिए आप सभी, जय श्री कृष्णा, और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।